गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, आई वेलकम यू ऑल ऑन कॉमर्स हरिकेन। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कर रहे हैं और इससे रिलेटेड टू वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आई होप आप वो देख चुके हैं और आपको वो चीज़ें समझ भी आ गई हैं। अब आज हम जो करने जा रहे हैं उसमें ये कुछ बेसिक टर्म्स और हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इज रेवेन्यू। देखिए, जब आप बिजनेस करते हो तो ऑब्वियसली आप बिजनेस किसके लिए करते हो? आप बिजनेस करते हो ताकि आप पैसा कमा सको, ठीक है? तो हमारी अकाउंट्स में ना कुछ टर्म्स हैं जो कि सिमिलर लगती है। मतलब बच्चे सोचते हैं कि प्रॉफिट का मतलब भी कमाई है, इनकम का मतलब भी कमाई होता है और रेवेन्यू का मतलब भी कमाई होता है, बट ऐसा नहीं है। इन सभी में छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं जो मैं आपको क्लियर करवाऊंगी। रेवेन्यू का मतलब होता है जो रेगुलर नेचर में होता है। मीन्स जब आप बिजनेस कर रहे होते हो तो आप बिजनेस के टाइम पर जितने भी गुड्स आप रेगुलर बेसिस पर बेच रहे हो और उनको बेचकर जो पैसा आप कमा रहे हो उस पैसे को हम बोलते हैं रेवेन्यू। सपोज करते हैं कि मैंने एक बुक बनाई है और मैं उस बुक को बेच रही हूँ, तो उस बुक को बेचने से जब रेगुलर बेसिस पर मैं बुक बेच रही हूँ और उससे जो पैसा मुझे मिल रहा है दैट इज़ रेवेन्यू, ठीक है? जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, रेगुलर नेचर में होता है, जैसे कि सेल ऑफ गुड्स। आप जिस भी गुड में डील करते हो अगर आप उसकी सेलिंग कर रहे हो रेगुलर बेसिस पर तो वो रेवेन्यू होगा। नेक्स्ट आता है एक्सपेंसेस। देखिए, एक्सपेंसेस नाम से ही पता चल रहा है कि ये खर्चे हैं, ठीक है? किसी भी चीज़ को बनाने में ऑब्वियसली आपको खर्चा आता है। सपोज आप एक बुक मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उस बुक को बनाने में भी आपको कुछ कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी, कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा और उसी को हम एक्सपेंस कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आता है इनकम। अब देखिए, रेवेन्यू में और इनकम में डिफरेंस है और वो क्या है? इनकम का मतलब होता है कि हमें कितना पैसा बच रहा है। अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो इनकम का मतलब होगा बचत। जैसे कि आपने एक बुक मैन्युफैक्चर की थी और बुक बनाने के टाइम आपको उस पर खर्चा आया, मीन्स आपका उस पर एक्सपेंस आया। सपोज करते हैं 500 रुपीज़ में आपने वो बुक बनाई, ठीक है? तो जो बुक बनाने के टाइम आपने खर्चा किया यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसको हम कहेंगे एक्सपेंस। अब जब आप इसे मार्केट में बेचने जाओगे तो ऑब्वियसली 500 से ज़्यादा में बेचोगे। सपोज करते हैं मैंने वो सेल कर दिया है 600 में, ठीक है? तो ये जो 600 है, सामान को बेचने से जो पैसा मुझे मिला उस पैसे को हम कहते हैं रेवेन्यू। क्लियर हुआ? जो मैंने यहाँ बताया था कि सामान को बेचने से जो पैसा मिलता है वो होता है रेवेन्यू। अब इनकम का मतलब बचत, यानी कि आपको इसको बनाने में 500 का खर्चा आया, जब आपने मार्केट में बेचा 600 में बेचा तो आपको कितने रुपीज़ की बचत हो रही है? मीन्स आपको कितना पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है? 100 रुपीज़। तो ये जो 100 रुपीज़ आपने एक्स्ट्रा कमाया है ना, इसी को हम अकाउंट्स की लैंग्वेज में इनकम कहते हैं। बात समझ आई? ये जो बीच का डिफरेंस है दैट इज़ योर इनकम। इसीलिए फॉर्मूला यही बना है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इनकम, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इनकम। क्लियर है? नेक्स्ट हम करते हैं दैट इज प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब होता है कि जब आप टोटल रेवेन्यू निकाल लेते हो और उसमें से टोटल एक्सपेंस माइनस कर देते हो तो जो पैसा आपके पास बचता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट। अब टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे कि आप बिजनेस में क्या कर रहे थे, बुक्स मैन्युफैक्चर कर रहे थे और बुक्स को मार्केट में बेच रहे थे, तो क्या आप सिर्फ सिंगल बुक बनाएंगे या सिर्फ दो बुक्स बनाएंगे? नहीं, आप तो रेगुलर बेसिस पर बहुत सारी कॉपीज बना रहे हैं, बहुत सारी बुक्स बना रहे हैं और वो बुक्स मार्केट में बिकती जा रही हैं, ठीक है? तो आपने सपोज करते हैं 50 बुक्स बनाई हैं, ठीक है? तो टोटल एक्सपेंस मतलब कि बुक्स को बनाने में टोटल खर्चा कितना आया? एक बुक थी 500 की, आपने बनाई 50 बुक्स, तो कितना हो गया? 25,000 रुपीज़, यानी कि टोटल एक्सपेंस आपको मिल गया। टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या बना? कि मार्केट में आपने जब उसको बेचा, मतलब जितनी भी कॉपीज आपने मार्केट में बेची उन सभी से आपको टोटल पैसा कितना मिला? तो देखिए, मार्केट में आपका बेचने का प्राइस था 600 रुपीज़, आपने 50 बुक्स बेच दी तो आपको कितना पैसा मिल रहा है? 30,000, ठीक है? तो प्रॉफिट कितना हुआ आपको? प्रॉफिट हुआ आपको डिफरेंस दोनों का
दैट इज 5000 रुपीज। क्लियर हुआ? तो यहीं से फॉर्मूला बना है, टोटल रेवेन्यू में से जब आप टोटल एक्सपेंस निकालते हो वो होता है प्रॉफिट। ठीक है, तो यानी कि अगर आपसे सिंगल यूनिट यानी सिंगल बुक की कमाई पूछी जाए तो वो होगी आपकी इनकम, और अगर आपसे पूछा जाए कि आपने जितनी भी बुक्स बेची हैं उन पूरी की पूरी बुक्स पे आपको प्रॉफिट कितना हुआ, तो वो होगा आपका प्रॉफिट यानी कि टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंस। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आते हैं हम गेन की तरफ। गेन का मतलब क्या होता है? देखिए, गेन का मतलब होता है कि ये एक ऐसा मुनाफा है जो आपको कभी कभी होता है, ठीक है, और ये रेगुलर नेचर का तो बिल्कुल भी नहीं होता, और ये ज़्यादातर किस पर मिलता है आपको? लॉन्ग टर्म एसेट्स पर, यानी कि नॉन करेंट एसेट्स पर। हम ऑलरेडी कर चुके हैं, नॉन करेंट एसेट्स क्या होती हैं? जो एसेट एक साल से ज़्यादा चलती हैं, लाइक योर लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह। ठीक है, तो आपने एक मशीनरी परचेज की, आपने कुछ टाइम उसको यूज़ किया, उसके बाद आपने उसे मार्केट में बेचा, मार्केट में बेचकर जो एक्स्ट्रा पैसा आपको मिला वही आपका गेन है। जैसे कि 5 लाख में आपने मशीनरी परचेज की, मार्केट में जाकर आपने बेचा तो किस्मत अच्छी थी और वो 6 लाख में बिक गई। ठीक है, आपका प्रॉफिट हो गया कितना? 1 लाख एक्स्ट्रा जो आपको मिला है, दैट इज़ गेन। अब ये रेगुलर नेचर तो नहीं है ना कि आप हर रोज़ मशीनरी बेच रहे हो, हर रोज़ फर्नीचर बेच रहे हो, नहीं, कभी कभी आप ऐसा काम करते हो तो जो कभी कभी प्रॉफिट्स आपको मिलते हैं वो होते हैं गेन। या सडनली आपको मिल जाए, जैसे आपने अचानक से लॉटरी जीत ली, वो भी आपका गेन है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लॉस। देखिए, अगर हम बिजनेस में प्रॉफिट के बारे में पढ़ रहे हैं तो बिजनेस में लॉस के बारे में जानना भी उतना ही ज़रूरी है। लॉस हमारे बिजनेस में 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो लॉस है, जब आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं आपकी इनकम से, यानी कि सपोज करते हैं बुक बनाई थी आपने 500 की, लेकिन जब मार्केट में बेचा तो आपने उसको बेचा 400 में। ठीक है, 500 में बनाकर 400 में बेच रहे हो तो 100 रुपीज़ का आपको नुकसान हो रहा है, उसी 100 रुपीज़ को हम लॉस कहेंगे। क्लियर है? और दूसरे तरह का लॉस वो होता है जिसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, नो बेनिफिट अगेंस्ट एनी एक्टिविटी। मतलब बिजनेस में कुछ घटता है, कुछ हैपन होती है, इंसिडेंट होता है, लेकिन उसकी वजह से आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे कि लॉस बाय फायर, आग लगने से आपकी पूरी शॉप जल गई, पूरा सामान जल गया, तो वो लॉस आपके लिए लॉस होगा। लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है, थेफ्ट मतलब किसी ने बिजनेस में चोरी कर ली और उससे जो आपको लॉस हुआ, दैट इज़ ऑल्सो अ लॉस। तो दीज आर द 2 टाइप्स। क्लियर है? नेक्स्ट आता है इसमें डिस्काउंट। देखिए, बिजनेस जब भी चला रहे हैं हम तो डिस्काउंट तो देना पड़ता है, और ऑब्वियसली कस्टमर अट्रैक्ट भी तभी होता है जब आप उसे डिस्काउंट देते हो। डिस्काउंट का मतलब आई होप सबको पता होगा, जब हम रिबेट दे देते हैं यानी छूट दे देते हैं। ठीक है, सपोज 50 रुपीज़ की चीज़ है और 45 में आपको मिल रही है तो 5 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिल गया। तो डिस्काउंट में 2 टाइप्स के डिस्काउंट्स हैं जिनके साथ हम अकाउंट्स में डील करते हैं। पहला है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? देखिए, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है हमारे पास 2 पार्टीज़ होती हैं बिजनेस को बेच सामान को बेचने के लिए, या तो होलसेलर रिटेलर को सामान बेचता है, ठीक है, या फिर रिटेलर कस्टमर को सामान बेचता है। क्लियर हो गया? तो अगर होलसेलर ने कोई सामान रिटेलर को बेचा, मींस बल्क में, बल्क होता है मतलब इकट्ठा, बहुत सारी क्वांटिटी में जब रिटेलर ने कोई सामान परचेज़ किया और उस सामान को परचेज़ करते हुए अगर उसे छूट दे दी जाए तो उसे हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि यहाँ ट्रेड हो रहा है, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को सामान बेच रहा है। ठीक है, सपोज करते हैं कि रिटेलर जो है वो बहुत सारी क्वांटिटी में बल्ब्स खरीद रहा है या बैग्स खरीद रहा है, ठीक है, तो उनकी कॉस्ट बनी थी, सपोज करते हैं उसने मांगा था 50,000 रुपीज़, ठीक है, जब आपने बल्क में ख़रीदा तो वो कहता है ठीक है भैया आप मुझे 49,000 दे दीजिए, तो जो 1,000 आपको छूट दी गई है उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। क्लियर है? मीनिंग क्लियर हो गया? दूसरी बात जो आपको यहाँ ध्यान रखनी है वो ये है कि ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी बुक्स ऑफ एंड में नोट नहीं किया जाता। मींस जो आपकी अकाउंट्स की बुक बनती है, जो हम आगे पढ़ेंगे कैसे प्रिपेयर होती हैं, वहाँ पर कभी भी ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट को शो नहीं किया जाता। ठीक है, थर्ड चीज़ जो आपको यहाँ पर याद रखनी है वो ये है कि ट्रेड डिस्काउंट
चाहे आप सामान कैश में खरीदो चाहे आप सामान क्रेडिट पर खरीदो, दोनों कंडीशंस में ये डिस्काउंट दिया जाता है। मींस अगर रिटेलर ने होलसेलर को बोला कि भैया मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं तो मुझे उधार पे सामान बेच दो, तो ये उसे उधार पे सामान बेचेगा और साथ ही साथ ट्रेड डिस्काउंट भी दे सकता है। ठीक है, तो ये ट्रेड डिस्काउंट कैश एंड क्रेडिट दोनों के केसेस में होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है हमारा कैश डिस्काउंट। देखिए नाम के आगे कैश लग गया तो ये अंडरस्टूड है कि ये डिस्काउंट तभी दिया जाएगा अगर सामान कैश में खरीदा जा रहा है। ठीक है, जैसे कि सपोज करते हैं कैश डिस्काउंट में कौन कौन सी पार्टीज होती हैं। कैश डिस्काउंट में रिटेलर होता है एंड कस्टमर होता है, इन दोनों के बीच में डीलिंग होती है। तो जब कस्टमर रिटेलर के पास आता है कोई सामान खरीदने और वो कहता है कि भैया मैं तो आपका रेगुलर कस्टमर हूँ, जैसे कि आप कहते ही होंगे कि हम तो भैया आपके रेगुलर कस्टमर हैं, इतना पैसा क्यों लगा रहे हो, थोड़ा कम कर दो, ठीक है मैं आपको कैश में पेमेंट कर दूंगा, थोड़ा डिस्काउंट दे दो। तो अगर ऐसी सिचुएशन में रिटेलर कस्टमर को डिस्काउंट दे देता है, क्यों देता है, क्योंकि आप कैश की पेमेंट कर रहे हो, तो उसे हम कहेंगे कैश डिस्काउंट। ठीक है, और ये हमेशा इन दोनों के बीच में होगा। अगर होलसेलर दे रहा है तो वो कैश डिस्काउंट नहीं है। क्लियर हो गया पहली चीज़ कि रिटेलर और कस्टमर के बीच में डीलिंग होती है। सेकंड चीज़, कैश डिस्काउंट तभी दिया जाएगा जब कैश में पेमेंट हो रही है। एंड थर्ड थिंग जो आपको याद रखनी है वो ये है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कैश डिस्काउंट की एंट्री भी की जाती है और अमाउंट भी शो की जाती है। क्लियर हो गया, यहीं से आपका डिफरेंस बन गया, 3 पॉइंट्स। क्लियर है, नेक्स्ट आते हैं हम लाइव स्टॉक की तरफ। देखिए ये आपको बहुत जगह नज़र आएगा, लाइव स्टॉक क्या होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो बिज़नेस है उसमें आप सिर्फ सामान ही बनाओ, मीन्स आप वहाँ पे कुछ प्रोडक्शन ही करो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। कई बार आपका बिज़नेस ऐसा होता है जिसमें आप एनिमल्स को यूज़ करते हो, लाइक आपका डेयरी फार्म है या आपका पोल्ट्री फार्म है या आपका फ़िशिंग का काम है। तो ऐसे केसेस में आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, एनिमल्स मीन्स आपके जो शीप है, काओ, बफलो, गोट वगैरह, हॉर्सेस वगैरह, आप इनके थ्रू बिज़नेस कर रहे हो, इनको ख़रीदना बेचना आपका काम है। तो ऐसी सिचुएशन में आप उसको क्या कहोगे, वो लोग जिंदा हैं, इसीलिए लाइव स्टॉक, ऐसा स्टॉक जो जिंदा है। तो लाइव स्टॉक का मतलब हो गया कि अगर आपका जो सामान है, मींस आप जो डील कर रहे हो वो इनके साथ कर रहे हो, लाइक हॉर्स, काउ, शीप, बफलो वगैरह, ठीक है, तो ये सारे क्या होंगे आपके लाइव स्टॉक। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट आता है एंट्री। एंट्री का मतलब कि जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे तो वहाँ पर हम कुछ जर्नल एंट्रीज करेंगे, हम कुछ ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करेंगे, और जो ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करते हैं ना उसी को हम एंट्री कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज टर्नओवर, बहुत आसान है। टर्नओवर का मतलब होता है पूरे साल में आपने कितना सामान बेचा, ठीक है, टोटल सेल्स आपकी कितनी हुई है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कई बार हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा होता है तो हम उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, किसी कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स वगैरह परचेज कर लेते हैं। तो जब हम किसी कंपनी में अपना पैसा लगा देते हैं उस पैसे को इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। क्लियर हो गया, ये टॉपिक्स यहीं पर ख़त्म होते हैं, और थोड़े से पॉइंट्स रह गए हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड लाइक and share my videos. Thank you.